हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप सब अपने टिकटॉक अकाउंट को यहाँ पर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए अगर अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो अगर आपने ये सोचा हुआ है कि सिर्फ आप अपने मोबाइल फ़ोन से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दोगे तो उतना काफ़ी होता है आपके अकाउंट को डिलीट करने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल यहाँ पर आपका सोचना गलत है। अगर आप टिकटॉक को सिर्फ अनइंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन से, तो उसके बाद भी जो भी आपने साइनअप के टाइम या रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने डाटा को यूज़ किया, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एज, आपका नेम, सब कुछ वहाँ पर आज टिकटॉक के सर्वर में स्टोर होता है, और जब चाहे जो चाहे आपके प्राइवेसी का वहाँ यूज़ कर आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आज किस वीडियो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप परमानेंटली अपने टिकटॉक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, जिसके बाद आपकी प्राइवेसी को लेकर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परमानेंटली आपका वहाँ से जो भी डाटा आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ले रखा है सब वहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपने टिकटॉक को अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आप आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में टिकटॉक को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने फ़ोन में टिकटॉक को ओपन कर लोगे तो यहाँ से आपको मी के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे मी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऊपर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और मैनेज माई अकाउंट पर चले जाना है। जैसे आप इस पर जाओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा नीचे डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस पर आप सिंपली ऐसे क्लिक करोगे डिलीट अकाउंट पर, तो यहाँ उसके बाद आपका पेज लोड होगा जहाँ आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर रखा है टिकटॉक अकाउंट पे, तो यहाँ पे आपको बोलेगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू। तो अगर आपका वो ईमेल आईडी आपके इस मोबाइल में लॉगिन रहेगा तो सिंपली वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना है, वरना आपके उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो मेरा इसमें ये ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है, तो मैं यहाँ वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और ये मैं अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे अकाउंट को सेलेक्ट कर लूँगा तो देख सकते हैं यहाँ आ चुका है कंफर्म इफ़ यू डिलीट योर अकाउंट, तो ये सारी चीज़ लिखे हुए हैं। आपका अकाउंट यहाँ पर 30 डेज़ के लिए डीएक्टिवेट रहेगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 30 डेज़ बाद परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। आपका कुछ भी अगर आपने इससे परचेस कर रखा है इस अकाउंट से, तो वो भी आपका यहाँ पर रिफंड नहीं होने वाला। आपका जितना भी वीडियो यहाँ पर पोस्टेड है सब डिलीट हो जाएगा, आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपका कोई भी चीज़ यहाँ से अब उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यू आर अबाउट टू डिलीट एट द रेट अनबॉक्स माही, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू डिलीट पे आप क्लिक करोगे तो लॉगिन एक्सपायर्ड, योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड। अब आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट ये डिलीट हो चुका है परमानेंटली, यहाँ से 30 डेज़ के बाद ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा, फिर आपकी प्राइवेसी का कोई भी यहाँ से यूज़ नहीं कर सकता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर रखा है तो कैसे आप उस अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। आपको सिंपली फिर से अकाउंट को अपने लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा आपका यूज़र आईडी, आपका यहाँ पर प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, जहां से आपको फिर से थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मैनेज माई अकाउंट पर फिर से चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको फिर से नीचे यहां डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहां देख सकते हो कि लिखता है वेरीफाई टू कंटिन्यू यू नीड टू कंप्लीट एसएमएस वेरिफिकेशन फर्स्ट, यू विल रिसीव एन एसएमएस कोड आफ्टर टैपिंग सेंड कोड। तो यहां पर आपको सेंड कोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेंड कोड पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी अपना यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो मेरे पास मेरा ओटीपी आ चुका है और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो फिर देख सकते हैं इफ़ यू डिलीट योर अकाउंट यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू लॉग इन द टिकटॉक विद दैट अकाउंट, यू विल लूज एक्सेस टू एनी वीडियो यू हैव पोस्टेड, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ रिफंड ऑफ, आपको कुछ भी आपसे रिफंड नहीं होने वाला अगर आपने कुछ भी परचेस किया है। उसके बाद आपका कोई भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर्ड है नॉट स्टोर्ड इन योर अकाउंट, सच एस आपका जो भी मैसेज है, चैट है, वो अगर आपके किसी से बात की है तो वो दूसरे के अकाउंट में स्टोर्ड रहेगा, पर आपके यहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा और ये आपका अकाउंट 30 डेज़ के लिए फिर से डीएक्टिवेट होगा और 30 डेज़ के बाद आपका ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर डिलीट में मैं क्लिक करूँगा और यू आर अबाउट टू डिलीट, डिलीट पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ऊपर लिखा लॉग इन एक्सपायर्ड, योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये मेरा अकाउंट नंबर परमानेंटली यहाँ पर ये टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो चुका है पूरी तरीके से यहाँ पर टिकटॉक से।
तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर क्या कंप्लीट प्रोसेस है आपके टिकटॉक अकाउंट को डिलीट करने का। तो इस तरीके से आप अपने टिकटॉक अकाउंट को डिलीट कर फिर आप अपने फ़ोन से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देते हो, तो फिर आप यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।